ये सरासर आईसीसी वालों की तरफ से ज्यादती है बाबर आजम के साथ, ज्यादती है, साफ पता चलता है कि जल रहे हैं बाबर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली क्रिकेट इन्फो क्यानी यूट्यूब चैनल। मुझे तो खैर आईसीसी वालों से मतलब समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या सोचा हुआ है। एक इंसान बैक टू बैक 50 भी कर रहा है, जिसको रनिंग का मशीन भी कहा जा रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर्स को पीछे छोड़कर हाफ सेंचुरी के इंतहा किया, हंड्रेड्स को उन्होंने इंतहा किया, विराट कोहली को उन्होंने पीछे छोड़ा। मैं बात कर रहा हूँ हमारे कैप्टन साहब बाबर आजम का, मुगल आजम बाबर आजम, जो कि परफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले पाँच छः मैच से उनका रिकॉर्ड आप लोग चेक कर लें कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। लेकिन नहीं, इनको तो डेविड मलान नजर आ रहा है, उनको बदस्तूर पहले नंबर पर उन्होंने रखा हुआ है। ये सरासर आईसीसी वालों की तरफ से ज्यादती है बाबर आजम के साथ, ज्यादती है, साफ पता चलता है कि जल रहे हैं बाबर आजम से। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो इंग्लैंड में मौजूद है, ये इंग्लैंड के अपने बंदे हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा प्लेयर डेविड मलान चाहे वो परफॉर्म ना भी करे, फिर भी वो जो है पहले नंबर पर मौजूद हो। वो नहीं चाहते कि ये दूसरे पे जाए या तीसरे पे जाए। अगर ये बाबर आजम होता और वो परफॉर्म ना करता, उनका रिकॉर्ड अच्छा ना होता, तो ना जाने अब वो दूसरे नंबर से पता नहीं कहाँ पे होते, अब पांचवें या छठवें नंबर पर होते। लेकिन मलान का रिकॉर्ड आप लोग चेक कर ले, वर्ल्ड कप में अब तक इंग्लैंड ने 3 मैचेस खेले हैं और 3 मैचेस में मलान ने अभी तक 150 भी नहीं किया है कि इंसान कहे कि यार हाँ इसने एक मैच में अच्छी परफॉर्म या बड़ी इनिंग उन्होंने की ली हुई है। लेकिन बाबर आजम को देखिए, 3 मैचेस पाकिस्तान ने भी खेले हैं, बाबर आजम ने 2 मैचेस में 50 किए हैं 2 मैचेस में, लेकिन बाबर आजम अभी भी दूसरी नंबर पर मौजूद है। मोहम्मद रिजवान को उन्होंने, मैं मानता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को उन्होंने तरक्की दिया, 7वीं से वो 4थी नंबर पर आ गए हैं। शाहिद आफरीदी को तरक्की दिया, हारिस लूप को उन्होंने तरक्की दिया रैंकिंग्स में, लेकिन बाबर आजम बेचारे ने क्या किया, उसने तो भी बैक टू बैक 50 किया है, उसको आप लोगों ने तरक्की क्यों नहीं दिया। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि बुध वाले दिन शायद रैंकिंग्स फिर से चेंज हो जाए T20 के। अगर उस टाइम भी इन्होंने बाबर आजम को कोई मतलब तरक्की ना दिया तो ये सरासर आईसीसी की तरफ से बहुत गलत होगा। कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं कि गलत है कि नहीं। आप लोग जरा खुद भी सोचें कि एक इंसान परफॉर्म कर रहा है और एक इंसान परफॉर्म नहीं कर रहा। जो परफॉर्म नहीं कर रहा उनको पहले नंबर पर रखा हुआ है, जो परफॉर्म कर रहा है उसको दूसरे नंबर पर रखा हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। सो आज 2 मैचेस खेले जाएंगे, पहला मैच खेला जाएगा नीबिया का मुकाबला अफगानिस्तान, दूसरा मैच खेला जाएगा इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड। So this is Ali Cricket Info Kyani YouTube channel. So please subscribe the channel and press the bell icon for the latest video updates. Bye.